Where the Aam Party-led Delhi government has been forced into making changes to its cabinet in the light of the recent controversies. After recently arrested Mani Sodia and Satendra Jain tendered their resignations, the burden of Sisodia's portfolio in the interim will fall upon two of the remaining five cabinet ministers, Kailash Gelot and Raj Kumar Anand. Both sitting ministers in the Arvind Kejriwal-led Delhi government are likely to be given portfolios held by Manish Soria. the Delhi deputy chief minister held as many as 18 key portfolios out of a total of 33 in Arvind Kejriwal's cabinet. Meanwhile, Kejriwal is likely to appoint two new ministers to replace Sisodia and Satyendra Jain. इस्तीफा मांग रहे थे ना सुबह अगर हमें बीजेपी के कहने से करना होता तो दस महीने पहले सत्येंद्र जैन साहब का इस्तीफा हो जाता और अगर बीजेपी के कहने से हमें कुछ करना होता तो हम भी भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे मकार बन जाते ऐसा नहीं है तो वजह क्या रही आम आदमी पार्टी लोगों के लिए काम करती है किसी ईगो में काम नहीं करती है किसी राजनीतिक एजेंडे से काम नहीं करती है हम लोग सर्विस ओरिएंटेड पार्टी हैं जब जैन साहब का गिरफ्तारी हुई तो ये माना गया कि चलिए एक मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री जी जो एक अच्छी बैंड रखते हैं सीनियर मिनिस्टर हैं उनके पोर्टफोलियोज अगर उनको दे दिए जाएं तो वो उसको संभालेंगे और उन्होंने आठ नौ महीने बखूबी जो है अट्ठारह महकमे संभाले और अच्छे संभाले मगर जिस तरीके से षड्यंत्र करके आज उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया अब एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि इतने सारे महकमों को अगर नहीं चलाया जाएगा तो दिल्ली के लोगों के काम रुकेंगे जी ट्वेंटी का काम रुकेगा और सबसे नजदीकी तो बजट का काम रुकेगा इसलिए जो है ये फैसला किया गया उन लोगों ने अपना इस्तीफा दिया मुझे याद है जब पहली कैबिनेट बन रही थी जब भी आप लोग लो, कुछ लोग चाहने वाले इसलिए चलाते हैं और कुछ लोग दुश्मन हैं इसलिए भी चलाते हैं